10 seconds are those three events, MECO, stage separation, what? And SES-1. Flash? No, 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 no. SpaceX? No, not again. No! Hi everyone! आज हम बात करने वाले हैं SpaceX के 6th Starlink मिशन के बारे में, जिसका प्राइमरी मिशन सक्सेसफुल था, बट सेकेंडरी मिशन फेलियर था क्योंकि SpaceX फर्स्ट स्टेज लैंड नहीं करा पाया। बहुत कुछ गलत हुआ था फर्स्ट स्टेज के साथ, एक एक करके अब हम आपको सब बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉर्मल इंजन चलते समय एक ब्राइट फ्लैश आता है। ये फ्लैश बताता है इंजन के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी। बेसिकली वन ऑफ द 9 मर्लिन इंजन्स गॉट शट डाउन। वो शट डाउन में भी परफेक्टली नॉर्मल था या फिर बहुत वायलेंट। वन मोर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, देयर कुड बी इंजन ब्लास्ट। इलॉन मस्क ने खुद ट्वीट करके बताया कि देयर वॉज एन इन फ्लाइट इंजन फेलियर एंड उसकी वजह से फर्स्ट स्टेज के बचे हुए इंजन्स ने कुछ ज़्यादा देर बर्न किया उस फेलियर को कंपनसेट करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि उस शटडाउन की वजह से दूसरे इंजन अफेक्ट हुए होंगे, बट SpaceX इस सिचुएशन को ध्यान में रख के ही इंजन्स बनाता है एंड सब इंजन्स को आइसोलेट करता है। अब आपको बताता हूँ, SpaceX एंट्री बर्न और लैंडिंग के लिए 3 इंजन्स यूज़ करता है रादर देन अवेलेबल 9 एंड फ्रॉम द फ्लैश वी कैन सी इट वॉजेंट द 3 इंजन्स यूज इन परफॉर्मिंग एंट्री बर्न एंड लैंडिंग। बट हुआ क्या कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री बर्न जो कि होना था 10 सेकेंड्स के लिए, वो बर्न हुआ 22 सेकेंड्स के लिए। और आप जैसा देख सकते हैं कि कैमरा लेंस पर फॉग आ गई एंड ड्रॉपलेट्स भी आए हैं, जिसके सीधा मतलब ये है कि देयर वॉज एन इनबर्नड प्रोपेलेंट या फ्यूल जो कि इंजन से निकल रहा था एंड कैमरा लेंस पर आ गया। दिस क्लियरली शोज दैट द इंजन्स हैड अ मेजर इशू विद देम। बहुत लोग बोल रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि ये जो उड़ता हुआ आया डेट वॉज सम पार्ट ऑफ द रॉकेट। वो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि वो बहुत हाई स्पीड से नीचे आता है और अगर किसी पार्ट की रिलेटिव वेलोसिटी कम नहीं हुई तो कैमरा कैप्चर ही नहीं कर पाएगा। सो इट इज़ कन्फर्म्ड कि वो रॉकेट का ही पार्ट है, बट मे बी एंड मोस्ट प्रोबेबली वो आइस हो सकती है रॉकेट से निकली हुई रादर देन कोई टूटा हुआ रॉकेट का पार्ट। जैसे फैल्कन 9 एंट्री बर्न करके नीचे उतर रहा था तो आप देख सकते हैं कि इंजन के पास कुछ फ्लैश जैसा आ रहा है। मे बी वो इंजन्स में लगी हुई आग हो, बट वो RCS थ्रस्टर्स की गैस भी हो सकती है। बट मुझे ये लगता है, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकता हूँ, वो आग ही थी क्योंकि बाद में कैमरा लेंस पर दिखता है सम ब्लैक सूट पार्टिकल्स जो कि रॉकेट से निकले होंगे और कैमरा लेंस पर आ गए होंगे। एंट्री बर्न करने के बाद जब वो तेज़ी से नीचे आने लगा तब आप देख सकते हैं कि ग्रिड फिन्स एकदम से वर्क पर लग गए रॉकेट को करेक्ट ट्रैजेक्टरी पर लाने के लिए एंड ड्यू टू डैट रॉकेट अनस्टेबल हो गया एंड वो डिसेंट में ही टूट गया एंड एक इनफ्लाइट डिजास्टर हो गया। कुछ देर बाद SpaceX का कन्फर्मेशन भी आता है कि स्टेज 1 टेलीमेट्री लॉस्ट और उसका कन्फर्मेशन हमें ये स्क्रीन से भी दिखता है जो कि क्लियरली दिखाता है कि ड्रोन शिप जहाँ पे स्टेज 1 लैंड करना था वो उससे पहले ही कनेक्शन लॉस्ट कर गया और वो उससे पहले ही जाके गिर गया। सो SpaceX का फैल्कन 9 रॉकेट फिर भी बहुत रिलायबल है और हम उसको इन 2 रीसेंट फेलियर से जज नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत 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 अनबिलीवेबल चीज़ें की हैं। सो SpaceX को ऑल द बेस्ट बोलते हैं उनके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, मैं ऐसे ही आपको रॉकेट ज्ञान में रॉकेट का ज्ञान देता रहूँगा। अनटिल देन, लॉन्च इट सक्सेसफुली।